उन्होंने कृष्ण को गुरु माना, परमात्मा माना, तब उसे भगवान ने उपदेश किया। अर्जुन बोला ये सब मेरे माता पिता हैं, मेरे ताऊ चाचा हैं, इनके बिना मैं नहीं जी सकता, ये मेरे अपने हैं, मैं कैसे मारूं इस कर्ण को, ये मेरा अपना है, आप मुझे इसे मारने कह रहे हैं। बोले ये तेरा भ्रम है, यहां अर्जुन भी मैं हूं, यहां कर्ण भी मैं हूं, यहां द्रोण भी मैं हूं, तेरा तीर भी मैं हूं, तेरा धनुष भी मैं हूं, तेरी आज्ञा भी मैं हूं, और चलने वाला भी मैं हूं, मरने वाला भी मैं हूं, और मारने वाला भी मैं हूं। तो अर्जुन चिल्ला उठा, नष्टो मोहा, नष्टो मोहा, नष्टो मोहा। उसने कहा मेरा मोह नष्ट हो गया। बोले तुझे कोई मार नहीं सकता, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तुझे अग्नि जला नहीं सकती, जल तुझे डुबो नहीं सकता, व्यार तुझे सुखा नहीं सकती, तेरा संशय तुझे मारेगा, जिस दिन तू ये समझेगा कि तू मर सकता है तो उस दिन मरेगा, क्योंकि तू कभी नहीं मर सकता, ये शरीर मर सकता है, संबंध मर सकता है, लेकिन तू कभी नहीं मर सकता। जैसे ही अर्जुन को ये भान हुआ तो वो नष्टो मोहा कहके उसके मोह की निवृत्ति हो गई, लेकिन उसके लिए उसे कृष्ण को गुरु मानना पड़ा। दुर्योधन के कहने पर जब दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेके वहां पहुंचे पांडवों के यहां भोजन करने, तो पांडव घबरा गए, बोले आज हमारा बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि दुर्वासा जैसा क्रोधी नहीं कोई, और आज यदि हमने अपना धर्म ना निभाया, यदि ब्राह्मण को भोजन न कराया, तो गंभीर श्राप मिल सकता है, हम भस्म ना हो जाएं। उस समय यदि वो दुर्वासा जी के हाथ पैर पकड़ते और उनसे कहते प्रभु आज हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो शायद पता नहीं क्या घटना होती। लेकिन उस समय उन्होंने कृष्ण को निवेदन किया, बोले हे प्रभु यदि आप तृप्त हो गए तो फिर सब तृप्त हो जाएंगे, फिर हमें किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप माने हुए ही आएंगे, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो समझे समझाए आएंगे। कृष्ण ने निवेदन स्वीकार किया, एक दाना चावल का घर में था, कृष्ण ने उसको पाया और बस कृष्ण ने लिया, और उधर दुर्वासा के 10,000 शिष्य तृप्त हो गए, और वो वहीं से पांडवों को आशीर्वाद देकर चले गए, बोले अब जाने की भी आवश्यकता नहीं है, हम पूर्ण तृप्त हैं, हम यजमान के यहां जाएंगे भी तो क्या प्राप्त करेंगे। तो सिर्फ एक है जिसके तृप्त होने से, जिसके मान जाने मात्र से, फिर किसी और को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो वर्तमान है, जो आज आप हैं, ये जो आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके मित्र हैं, आप स्वयं, आपका रंग रूप, ये वो है जो कल आपने चाहा था, पिछले जन्म में जो सोचा था आपने कि मेरी पत्नी ऐसी हो, आपने पिछले जन्म में सोचा कि मेरा कारोबार ऐसा हो, आपने पिछले जन्म में सोचा कि मैं इस तरीके का हूं, आप वैसे हैं, आप अपने भूतकाल की उपज हैं। अब आप देख लीजिए आपकी चॉइस क्या थी। कई बार जब आप यात्रा कर रहे होते हैं और कहीं देखते हैं कि यात्रा में कोई बड़े सुख में बैठा हुआ एक पेड़ के नीचे, तो मन में भाव आता है हे नारायण कहीं मैं भी ऐसे ही सुख में बैठूं। वो इच्छा भगवान नोट करते रहते हैं कि ये क्या क्या चाहता है। जैसे पिता अपने पुत्र की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, उसी तरह नारायण आपकी इच्छाओं को जानकर उनकी पूर्ति करते हैं आपके कर्म के अनुसार। आपने कभी सोचा भागवत कथा कराऊंगा, लेकिन आपके पुण्य इतने नहीं है कि आप कथा करा सकें, तो नारायण आपको कथा सुनने जरूर भेजेंगे। तो जो आपने सोचा आप वैसे हैं आज। कंठो उपनिषद में नचिकेता बार बार यम से कह रहा है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, नचिकेता से यम कह रहा है कि मैं तुझे सारा वैभव दे दूं, तुझे मैं सारे सुख दे दूं। बोला नहीं मुझे ज्ञान दीजिए,
मुझे केवल ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार जब आपको ज्ञान हो जाता है कि आपका जीवन किसके लिए है, जैसे जड़ भरत को हुआ, अगले जन्म में जब वो हिरण शावक बना तो चेतना थी कि मैं तो क्या करने आया था और मेरा क्या हो गया। और जब हिरण शावक का जीवन शांत हुआ और फिर वो एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो फिर वो मौन हो गया, वो कुछ बोला नहीं ज्यादा, ज्यादा उसने संवाद करने छोड़ दिए, लोगों ने उसे जड़ भरत कहना शुरू कर दिया। अब वो संवाद नहीं कर रहा है क्योंकि स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कोई आधार है तो वो मौन है। वो फकीर की तरह रहने लगा, उसे कुछ नहीं चाहिए, वस्त्र हैं तो अच्छे और नहीं हैं तो और भी अच्छे, भोजन मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो और भी बढ़िया। अब वो मौन है, उसका मन अब फकीरी में लग रहा है, उसे कुछ चाहिए नहीं। उसने किसी से कुछ कहना सुनना भी बंद कर दिया, कोई कुछ आज्ञा देते तब वो चला जाता, कार्य हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो उसके घर के लोग उसे कई तरीके की बातें कहते लेकिन वो सुन रहा है, उसे किसी को जवाब नहीं देना है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरे यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरे यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लाग्यो मेरे यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार।